युवक के अपहरण के मामले में कार्रवाई 6 घंटे में पूरी वारदात का किया खुलासा। अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने झुंझुनू से किया गिरफ्तार। राजधानी जयपुर की चोमू थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने देर रात को हुए युवक के अपहरण के मामले में कार्रवाई कर 6 घंटे में पूरी वारदात का खुलासा कर दिया। अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने झुंझुनू से गिरफ्तार किया है। वहीं अपहरणकर्ताओं के चंगुल से युवक को मुक्त कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम को कन्हैया लाल का उसके घर से 3-4 युवक ने अपहरण कर ले गए, तो वहीं पत्नी को कमरे में बंद कर दिया। बाद में चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे। युवक की पत्नी ने लोगों को पूरी घटना की जानकारी दी। वहीं देर शाम पुलिस थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया। इस मामले में थानाधिकारी हेमराज सिंह ने गंभीर मानकर अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने 6 घंटे में तीनों आरोपियों को झुंझुनू से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में कपिल शर्मा, राहुल कुलहरी और हरि सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों और कन्हैया लाल के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर कन्हैया लाल का अपहरण कर लिया गया था। फिलहाल पकड़े गए तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। उदयपुरवाटी कस्बे के निकटवर्ती साकंबरी मार्ग पर कोट गांव में काली घाटी के पास आवारा पशु आने से ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर के नीचे आ गया, जिससे चालक छोटू सैनी पुत्र मोहनलाल सैनी बाग की ढाणी वार्ड नंबर 12 की मौके पर मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से शव को उदयपुरवाटी के राजकीय सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी के घर में रखवाया गया। सूचना पर उदयपुरवाटी पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। एसआई सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रैक्टर के सामने आवारा पशु आने से नियंत्रण खोकर चालक ट्रैक्टर के नीचे आ गया, जिससे मौके पर मौत हो गई। ट्रैक्टर बिना नंबरों का था। अस्पताल पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बक्कड़ सामुदायिक अस्पताल के प्रभारी जुगलाल बुडानिया के खिलाफ पार्षदों ने आज जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। पार्षदों ने चिकित्सा प्रभारी जुगलाल बुडानिया के खिलाफ जिला कलेक्टर और झुंझुनू एसपी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया कि बक्कड़ अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी जुगलाल बुडानिया ने जनप्रतिनिधियों को जाति सूचक गालियां दी और मारपीट पर उतारू हो गए। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि चिकित्सा प्रभारी जुगलाल बुडानिया आए दिन मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाने की धमकी दी जाती है। पार्षदों ने ज्ञापन में जुगलाल बुडानिया को गिरफ्तार करने तथा तबादला करने की मांग की है। मामले के अनुसार वार्ड पार्षद सुभाष बुंदेला 19 अगस्त को अपने परिजनों को कोरोना का टीका लगवाने के लिए बक्कड़ अस्पताल में गए थे। किसी मरीज के कहने पर उसकी जांच करवाने के लिए लैब में ले गए। वहां पार्षद और स्टाफ के बीच विवाद हो गया। इस मामले को लेकर चिकित्सा प्रभारी जुगलाल बुडानिया ने उन्हें गाली गलौज करते हुए जाति सूचक गालियां दी। बक्कड़ थाने में चिकित्सा प्रभारी जुगलाल बुडानिया के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया गया, मगर पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। प्रदर्शन कर रहे पार्षदों का कहना है कि मांगे नहीं मानने की स्थिति में पार्षदों द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा।